सब्सक्राइब करिए बी योर डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वाइन बावर और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टॉपिक पर, शायद आपने उसके पेशेंट्स तो देखे होंगे लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि ये एक बीमारी है। आज का हमारा टॉपिक है जायंटिज्म, यानी कि महाकाया विकराट स्वरूप जिसकी हाइट 7 फीट से भी ज्यादा होती है, ऐसी एक बीमारी जायंटिज्म के बारे में। आज के स्टूडियो में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन बताऊंगा ये जायंटिज्म डिजीज के कॉजेस के बारे में, यानी कि ये डिजीज होने के पीछे के रीजंस के बारे में, इसके सिम्टम्स, इसका डायग्नोसिस और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये डिजीज होने के पीछे का रीजन आपको ठीक तरह से समझ में आए इसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा, पूरा डेप्थ में बताऊंगा। इसकी शुरुआत करता हूँ, जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हो, हमारे बॉडी में, ब्रेन में एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो बेस ऑफ स्कल में होती है, सर के नीचे के पार्ट में, जिसे कहा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। इसका कोरिलेशन में ये डिजीज से आपको जब करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये एक छोटी सी ग्लैंड है जो हमारे सर में होती है, जिसकी लेंथ होगी करीबन 1 सेंटीमीटर तक की और उसका वेट होगा 0.5 से 1 ग्राम तक का। इतनी छोटी सी ग्लैंड लेकिन उसका जो कार्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका डिस्टर्बेंस ऐसे डिजीज का जन्म दे सकता है। अब ये जो छोटी सी ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके दो पार्ट बनते हैं, एक आगे का और एक पीछे का, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। जो आगे का पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो कुछ केमिकल को रिलीज करता है जिसे हार्मोन कहा जाता है। ऐसे 6 केमिकल है जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, जैसे आप यहाँ जो मैंने नेम मेंशन किए हैं वो 6 हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। उसमें से एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, यानी कि हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी है वो ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन की जो नॉर्मल रेंज है वो हमारे बॉडी में होना आवश्यक है, उसमें थोड़ा सा भी प्रमाण ऊपर जाता है या फिर नीचे जाता है तो कोई डिजीज का जन्म दे सकता है। अगर ये हार्मोन की मात्रा बढ़ जाए तो जायंटिज्म जैसी बीमारी होती है, और अगर ये हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो ड्वार्फिज्म यानी कि वामन स्वरूप, उसका स्ट्रेचर बहुत ही कम हो जाता है, करीबन 3 फीट तक का उसका स्ट्रेचर हो जाता है। ये ड्वार्फिज्म अलग ही टॉपिक है जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आपको इतना क्लियर हो गया कि ये जायंटिज्म एक बीमारी है जिसमें हाइट उसकी 7, 8 फीट, 9 फीट उतने तक जा सकती है, और ये जो ब्रेन में छोटी सी एंडोक्राइन ग्लैंड है वहां से जो केमिकल रिलीज होता है उसकी डिस्टर्बेंस के वजह से ये बीमारी हो सकती है। अब आपको मैं एक लाइन में उसका कोर्स बताता हूँ। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां अगर ट्यूमर हो जाए, वहां अगर गांठ हो जाए, तो उसकी वजह से ये हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है और उसकी वजह से ये भीमकाया जो जायंटिज्म है ऐसी बीमारी हो सकती है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ने के कारण 2 डिजीज होता है, एक जायंटिज्म और दूसरा एक्रोमेगाली। ये दोनों के बीच का भी आपको डिफरेंस पूरी ठीक तरह से समझ में आए इसलिए मैं इसी वीडियो में ये क्लियर करता हूँ कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, और एक्रोमेगाली एक अलग टॉपिक है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। जो ग्रोथ हार्मोन है वो ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन अगर वो बचपन से लेके प्यूबर्टी तक यानी कि 18 साल पहले अगर उसका लेवल बढ़ जाए तो जायंटिज्म जैसी बीमारी होती है। लेकिन 18 साल की उम्र तक उसका जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद ये ग्लैंड में प्रॉब्लम होने के कारण अगर ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाए, 18 साल के बाद ये लेवल बढ़ जाए, तो एक्रोमेगाली ऐसा डिजीज होता है जिसमें उसके लिप्स बड़ा होना, नोज बड़ा होना, फोरहेड बड़ा होना, ऐसा उसका जो लुक है वो दिखता है। इसलिए आपको मैंने क्लियर कर दिया कि ग्रोथ हार्मोन के बढ़ने की वजह से 2 बीमारी होती है। एक ग्रोथ हार्मोन की जो नॉर्मल रेंज है जो हमारे बॉडी में रिलीज होती है वो है 0.5 से 1 मिलीग्राम पर डे इन एडल्ट। इतनी मात्रा में ही ग्रोथ हार्मोन का रिलीज होना चाहिए, उससे बढ़ जाता है तो ये एक्रोमेगाली जैसा डिजीज हो सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ जायंटिज्म के सिम्टम्स के बारे में, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला कि हार्मोन के बढ़ने के कारण जो पेशेंट को बीमारी है जायंटिज्म, उसका जो कद है वो बहुत ही विकराल होता है, भीमकाया होती है। उसकी हाइट है वो 7 फीट से भी ज्यादा होती है, 7 से 9 फीट तक की उसकी हाइट होती है। दूसरा कि उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही इतना बड़ा है,
कि उसका जो पेंक्रियास है, स्वादुपिंड है, उससे निकलने वाला इंसुलिन वो ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल में नहीं कर पाता है। उसको डायबिटीज नहीं है, लेकिन बॉडी का जो ऑर्गन है वो ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं रहता है। उसकी वजह से जायंटिज्म का पेशेंट, उसको हाइपरग्लाइसेमिया होता है, उसका ब्लड शुगर ज्यादा होता है। ये एक बात हुई, और उसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज ज्यादा रहने की वजह से उसका जो स्वादुपिंड है, पेंक्रियास है, उसको ज्यादा वर्क करना पड़ता है इंसुलिन निकालने के लिए, और वो ज्यादा वर्क करने करने में ही वो थक जाता है, उसके बीटा सेल्स है वो टूट जाते हैं, और उसकी वजह से फिर उसको डायबिटीज मेलिटस डेवलप होता है। ये चीज पूरी अंडरस्टैंड करनी जरूरी है कि उसको डायबिटीज होता नहीं है, लेकिन सिचुएशन ही उसके सामने ऐसी आती है कि फाइनली उसको डायबिटीज डेवलप हो जाता है। उसके अलावा उसके सिम्टम्स में जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें ट्यूमर होने के कारण उसको हेडेक की तकलीफ रह सकती है, और वहां ट्यूमर होने के कारण जो विजन है उसमें भी डिस्टर्बेंस रह सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये जायंटिज्म बीमारी के डायग्नोसिस के बारे में कि इसका निदान कैसे होता है। क्लिनिकली अगर कोई ऐसा पेशेंट लगे जिसकी हाइट ज्यादा हो, ऐसा जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए वो अगर उससे कोरिलेट होता हो, तो फिर कंफर्म डायग्नोसिस के लिए ब्लड से ग्रोथ हार्मोन का जो लेवल है वो मेजर किया जा सकता है, और उससे डायग्नोसिस हो सकता है। और आज के इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी जो सर्जरी है, इसकी ट्रीटमेंट है, वो क्रिटिसाइज हुई है कि जो ये है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन ऐसी कुछ मेडिसिन आती है जैसे कि पेग्विसोमन, जो ये हार्मोन को कंट्रोल करती है, और उसकी वजह से जो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा होने के कारण जो डेवलपमेंट बहुत ही स्पीड से होता है उसको कुछ हद तक उसमें रोकने में कामयाब रहते हैं, और ऐसी उसमें मेडिसिन हो सकती है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप इस पर लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए, और किसी को काम आएगा मुझे कमेंट करिए, मेरा मेल एड्रेस भी यहाँ मेंशन है, मुझे मेल करिए, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई देने का, और सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। थैंक यू वेरी मच।